97 मॉडल में ये स्लाइडिंग वाला बोनट आया है इसका। ये इसका इंजन है, शीशा जो है वो इसका इलेक्ट्रिक है। वेरी नाइस। गियर इसका मैनुअल है, ऑटो नहीं है ये। और ये इसका डैशबोर्ड है, बहुत खूबसूरत शेप है इसके डैशबोर्ड की भी। ये देखें निसान डीजल। साइडों वाले शीशे भी इसके इलेक्ट्रॉनिक हैं, अंदर से ही जो है वो लेफ्ट राइट में आप इसको कर सकते हैं। बड़ी हुक भी लगी हुई है इसको। वगैरह में कंक्रीट करने के लिए ये बाकड़ी यूज होती है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम नाज़रीन, वेलकम इन कुवैती व्लॉग्स चैनल। मैं हूँ रोमर और आप देख रहे हैं कुवैती व्लॉग्स। 25 टन काटो का फिर से व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मस्जिद का काम कर रही है यहाँ पे कंक्रीट, और डबल फ्लाई जिब लगा के अगले दोनों पीस फुल निकाले हुए हैं, और मेन पीस जो है वो आधे से थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है। ये नई मस्जिद बन रही है, यहाँ पे आज काम कर रहे हैं जी। 25 टन काटो निसान डीजल के साथ। पहले भी इसकी काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आपने काफ़ी पसंद किया इस क्रेन को। 97 मॉडल है माशाल्लाह, बहुत ही जेन्युइन कंडीशन में है। ये कंक्रीट की गाड़ी खड़ी है, और ये है जी ऑपरेटर चौधरी शफाकत साहब। कैसे मिजाज हैं जनाब? और ये बकेट खाली हो गई है, ले के आ रहे हैं वापस। वेरी नाइस। ये देखें जी हेल्पर भी आ रहा है बाकड़ के अंदर वापस। आज जब सुबह से बारिश थी कुवैत में, काम जो है वो काफ़ी स्लो थे क्रेनों के। तो ये मीनार के ऊपर पिलर बनाए हुए उन्होंने, उसकी कंक्रीट कर रहे हैं। और ये टायर नए चढ़वाए हैं इस क्रेन को, जापानी टायर हैं ये, ब्रिजस्टोन कंपनी के, बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। अभी कल ही चढ़वाए हैं इन्होंने, और अगले टायर जो हैं इसके वो पहले ही ठीक थे माशाल्लाह, काफ़ी बेहतर थे, तो इसलिए अगले चेंज नहीं करवाए इन्होंने। बहुत ज़बरदस्त साउंड है इसका। ये काम हो गया इनका ख़त्म, और अभी ये बाकड़ को धो रहे हैं। ओए हाफिज, की हाल है तेरा? कितने मीटर कंक्रीट की थी जे? 3 मीटर। अच्छा, वो बोलता है गाड़ी पीछे करो, रास्ता खाली करो। अभी इसका इंजन भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त किस्म का साउंड है इसका। अल्लाह अकबर। ये देखिए जी स्लाइडिंग वाला बोनट है इसका, 97 मॉडल में ये स्लाइडिंग वाला बोनट आया है इसका। ये इसका इंजन है, इसका व्यू काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियो में दिखाया है, आज फिर दिखा देता हूँ। चेक करें जनाब,
शीशा जो है वो इसका इलेक्ट्रिक है। निसान में जो है वो विंडो जो है वो इलेक्ट्रिक दी हुई है उन्होंने, और मित्सुबिशी में जो है वो हैंडल के साथ है, और गियर इसका मैनुअल है, ऑटो नहीं है ये। और ये इसका डैशबोर्ड है, बहुत खूबसूरत शेप है इसके डैशबोर्ड की भी, ये देखें निसान डीजल, बहुत प्यारी साउंड है इसकी। और कैबन इसका माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा कैबन है, और जो इसके साइडों वाले शीशे वगैरह है वो भी इलेक्ट्रिक है, साइडों वाले शीशे भी इसके इलेक्ट्रॉनिक हैं, अंदर से ही जो है वो लेफ्ट राइट में आप इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ से कंक्रीट का काम ख़त्म किया है, अभी कुछ लकड़ियाँ वगैरह रहती हैं उठाने के लिए। बड़ी हुक भी लगी हुई है इसको, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये पाइप होता है बाकड़ के नीचे पिलर्स वगैरह में कंक्रीट करने के लिए, ये बाकड़ी यूज़ होती है। चल बाकड़ बंद कर दे, ये लकड़ी के फट्टे के ऊपर रखी है, ये धोई है इसलिए ताकि इसको रेत वगैरह ना लग जाए। अभी वो शटरिंग का सामान पड़ा है वो उतारने लगी है ये क्रेन। अगले व्लॉग तक दीजिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।